खबरें विस्तार से। दिल्ली में डॉक्टर नारंग की सरेआम हत्या के विरोध में शहर में चिकित्सकों ने एक दिवसीय धरना दिया और सरकार से न्याय की मांग की। केजरीवाल हाय हाय, हेलो, सुरक्षा देना होगा, देना होगा, देना होगा। हेलो, लागू करो, लागू करो, लागू करो। दिल्ली में इंडिया बांग्लादेश मैच के दौरान घर में घुसकर डॉक्टर नारंग की पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी। शहर के डॉक्टरों ने शुक्रवार को एक दिवसीय सांकेतिक धरना दिया एवं मृत डॉक्टर के परिजनों को मुआवजा व न्याय की मांग की। धरना में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सचिव डॉक्टर मृत्युंजय, डॉक्टर आरपी ठाकुर व अन्य डॉक्टर मौजूद थे। हेलो, सुरक्षा देना होगा, देना होगा, देना होगा। हेलो, लागू करो, लागू करो, लागू करो। हत्या के बावजूद एक डॉक्टर की इस तरह की हत्या होती है और सब सरकार बोले, कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी तरह का स्टेटमेंट नहीं दिया, दुख व्यक्त नहीं किया। एक छोटी सी घटना देश में होती है, उस पर बहस होता है। एक निर्मम डॉक्टर की बिना किसी कारण के इस तरह की बर्बरतापूर्ण हत्या की गई और उसका कोई पार्टी किसी तरह का विरोध नहीं कर रहा है। ये समाज के लिए कलंक है कि हम डॉक्टर सेवा करते हैं और इतनी निर्मम हत्या की जाती है डॉक्टर की। हम इसका घोर विरोध करते हैं और सरकार को आगाह करते हैं कि इस तरह की घटना की अगर पुनरावृत्ति हुई तो हमें बाध्य होकर के अपनी सेवा समाप्त बंद करनी पड़ेगी। जोजो बेवा स्थित ईस्टर सिंपेक्स नामक बोरा फैक्ट्री के मजदूरों ने वेतन की मांग को लेकर फैक्ट्री के बाहर प्रदर्शन किया। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एआईटीसी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बकाया वेतन जल्द करना होगा, करना होगा, करना होगा। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद होगा। जोजो बेवा स्थित ईस्टर सिंपेक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नामक बोरा कंपनी के मजदूरों ने शुक्रवार को जमकर बवाल मचाया। 3 माह से लंबित वेतन की मांग को लेकर मजदूरों ने मुख्य द्वार को घंटों अवरुद्ध कर दिया। प्रदर्शन किया लगातार इस कंपनी में 15 वर्षों से मजदूर काम कर रहा है और समझने का जरूरत है कि नहीं इसका पीएफ सही से है, नहीं इसका ईएसआई का व्यवस्था है। माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश के बाद इस कंपनी में अभी तक मिनिमम वेज लागू नहीं है, तो समझ लीजिए कि शहर के मुख्यमंत्री के रहते और यहीं पर फैक्ट्री इंस्पेक्टर है, डीएलसी है, वो लोग नाक के सामने यहाँ पर मजदूरों पर भयंकर शोषण हो रहा है। ये चलते इसका लिखित शिकायत जब हमने किया तो आज तक, अभी तक सुनकर के हैरत होगा कि 3-3 महीना पर ये लोग को पेमेंट करता, अभी तक पेमेंट नहीं मजदूरों का हुआ है। टाटा स्टील को हालांकि चीन से कड़ी टक्कर मिल रही है पर निकट भविष्य में उत्पादन 11 MT का लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे, ये कहना है टाटा स्टील के MD टीवी नरेंद्रन का। वार्षिक आय व्यय पर चर्चा करते हुए टाटा स्टील के MD टीवी नरेंद्रन ने कहा कि चीन से अंतर्राष्ट्रीय स्टील व्यापार में मिल रही चुनौती का डटकर सामना करेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के सहयोग से 11 एमटी का लक्ष्य शीघ्र प्राप्त कर लेंगे। उन्होंने कंपनी क्षेत्र में नागरिक सुविधाओं पर भी चर्चा की। उनके साथ टाटा स्टील के उपाध्यक्ष सुनील भास्करन व आनंद सेन भी मौजूद थे। क्योंकि ठीक है, स्टील इंडस्ट्री है, टॉप ऑफ द गवर्नमेंट स्टील इंडस्ट्री को कुछ सहयोग मिला है, पर एज मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि इंडिया में प्राइम मिनिस्टर इज टॉकिंग ऑफ मेक इन इंडिया विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर इफ यू डोंट हैव मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया जॉब्स कहां से आएगा, क्योंकि इंडिया में ऑलमोस्ट 1 मिलियन यंगस्टर्स आर ज्वाइनिंग द वर्कफोर्स एवरी मंथ, तो उतना जॉब कहां से आएगा। तो इफ यू हैव टू हैव मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, दैट इज वाई द गवर्नमेंट इज ऑल्सो सेइंग मेक इन इंडिया। पर अगर हम लोग को मेक इन इंडिया इफ यू हैव टू प्रमोट, then people have to come and invest in India. But if we can, अगर हम लोग इंडियन मार्केट इफ यू कैन एक्सेस विदाउट इन्वेस्टिंग इन इंडिया, तो लोग, दैट इज वॉट विल हैपन, दैट इज वॉट वी आर ट्राइंग टू सेव, दैट एज अ गवर्नमेंट वी शुड हैव अ पॉलिसी फॉर कंट्रीज विच आर हैविंग प्रॉब्लम्स एंड वॉन्ट टू टेक केयर ऑफ एक्स्ट्रा कैपेसिटी, जैसे चाइना। सो आई थिंक पॉलिसी में रखकर गवर्नमेंट को सोचना है कि चाइना जो आज स्टील इंडस्ट्री और एल्यूमिनियम इंडस्ट्री का प्रॉब्लम रहा, कल दूसरा इंडस्ट्री में होगा। हम सुना है टायर इंडस्ट्री का भी यही स्थिति है, बहुत आ रहे इंपोर्ट्स, बाकी भी बहुत सारे इंडस्ट्री होंगे, हमको पता नहीं है, पर वन बाय वन देयर विल बी मेनी इंडस्ट्रीज। आज के दिन में इंडिया में इंपोर्ट ड्यूटी है गाड़ी के लिए, चाइना में एक महीने में 2 मिलियन गाड़ी बनता है, जो इंडिया में ऑलमोस्ट 1 ईयर में बनती है। तो टुमारो ऑटो इंडस्ट्री इफ देयर इज नो इंपोर्ट ड्यूटी, चीप चाइनीज कार्स विल कम। सो दिस इश्यू इज समथिंग द गवर्नमेंट हैज टू डील विथ ऑन अ पॉलिसी बेसिस
राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि ओडिया भाषा के प्रचार प्रसार के लिए वे हर संभव मदद करेंगी। वे उत्कल दिवस के मौके पर लोगों को संबोधित कर रही थी। उत्कल दिवस के मौके पर साक्ची स्थित उत्कल भवन में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थी। ओडिया भाषा एवं संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने हर संभव मदद पहुंचाने और सहयोग का आश्वासन दिया। उन्होंने इस मौके पर अच्छा प्रदर्शन करने वाले बच्चों को पुरस्कृत भी किया। दोनों भाषा संस्कृति को ये सम्मान करे और उसको बढ़ावा देने के लिए। एक आपने अहम बात कही है, उत्कल मणि गोप बंधु पर बात कही है और यहाँ से बिरसा मुंडा पर भी बात कही है, क्या कही है बताइए। देखिए, उत्कल मणि गोप बंधु को ओडिशा को बनाने में उनका अहम भूमिका, झारखंड को बनाने में बिरसा मुंडा का केवल झारखंड ने भी चमुंडा का योगदान देश को बनाने में। मानगो बस पड़ाव में जन सुविधाओं का घोर अभाव है। यहाँ न यात्री शेड की व्यवस्था है, न टॉयलेट और न पेयजल की व्यवस्था है। मानगो बस पड़ाव से प्रतिदिन विभिन्न स्थानों के लिए लगभग 150 बसों का परिचालन होता है। यहाँ सैकड़ों यात्रियों की आवाजाही है, पर यहाँ जन सुविधाओं की घोर किल्लत है। गर्मी की प्रचंडता को देखते हुए यहाँ पेयजल की व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा यात्री शेड की व्यवस्था भी नहीं है। हमारे संवाददाता ने जब बातचीत की तो यात्रियों के अलावा बस संचालकों ने भी अपना रोना रोया। हम लोग कोई इस जगह पे बैठने जा रहे हैं तो एक होना चाहिए कि लेडीज लोग को बैठने का बनाया जाना चाहिए। पानी है ना ही कोई वॉशरूम, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, बस बैठे हुए हैं शांति से। ना बिल्किन पाउडर डालता, ना कुछ डालता, कभी नहीं, ना झाड़ू मारता। देख लीजिए थोड़ा सा, क्या करते हैं आप? हम होगरी गिरी करते हैं। कौन सी जगह? गाड़ी का बस स्टैंड। हाँ, दिक्कत है, लैट्रिन का दिक्कत है, शौचालय नहीं है। 5 रुपये लेता शौचालय वाला, कोई भी जाता है। पानी, आज 16 साल से पानी नहीं है, 16 साल से नल नहीं।